राजघाट पहुंचे उत्तराखंड के कांग्रेस के एक्स सीएम हरीश रावत कि गंगा योजना से संबंधित जितने भी खर्च किए गए वो पैसे सही जगह खर्च नहीं हुए या गए तो नदी पे खर्च नहीं हुए, गंगा डेढ़ से दो गुना गंदा हो चुका। और वहीं उनका ये कहना है कि जो पैसा लिया गया था नमामि गंगा के लिए वो बीजेपी की जेब में गया है। देखिए, कांग्रेस के लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है, और जहाँ तक नमामि गंगे प्रोग्राम की बात है, गंगा को आज से नहीं, कितने दिनों से इतना डिस्टर्ब रखा गया था कि किसी भी चीज़ को ठीक करने में तो वक्त लगेगा ही। गंगा एक दिन में मैली नहीं हुई है, गंगा का मैला करने के लिए जो कारण है वो एक दिन में नहीं उत्पन्न हुए हैं, बल्कि ये तो जब से आज़ादी के बाद से तो कोई स्टेप ही नहीं लिया गया, और सर्वाधिक समय यही कांग्रेसी लोग जो आज गंगा बचाने का नाटक कर रहे हैं, इन्हीं लोगों की योजनाओं से और इन्हीं लोगों के दूरदृष्टि के कारण ही तो गंगा की आज ये दुर्दशा हुई है। 4 साल में हमने बहुत कुछ कोशिश किया है, उसका परिणाम अब आने लगा है। और जहाँ तक फंड की बात है, हमारे यहाँ बिल्कुल ट्रांसपेरेंट व्यवस्था रही है, एक पैसे का कोई भी इनके जिस तरह से इनके शासन में घोटाले होते थे ऐसा कुछ नहीं हुआ, इसलिए ये हताशा और निराशा के दौर से गुजर के इस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप झूठे लगा रहे हैं।